हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो मिकॉन लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 161 है, किसी भी ब्रांच इसके लिए एलिजिबल है। इसमें आप लोग को सैलरी 47,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि मिकॉन लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जो एक PSU है और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे डिप्टी इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें फर्स्ट है डिप्टी इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, डिप्टी इंजीनियर सिविल पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर केमिकल और असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल के लिए, डिप्टी इंजीनियर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल केमिकल मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी इंजीनियर IT के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इस पर्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके BVTEC में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिसिप्लिन में से
4 साल का बीवीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट डिप्टी इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीवीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीवीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीवीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट है डिप्टी इंजीनियर आर्किटेक्चर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग आर्किटेक्चर डिसिप्लिन में से ग्रेजुएशन की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे डिप्टी इंजीनियर मैकेनिकल और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 7 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिप्टी इंजीनियर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स तक रखा गया है। और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 34 ईयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। डिप्टी इंजीनियर पोस्ट में आप लोग को सैलरी 47,000 पर मंथ मिल जाएगी और असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट में आप लोग को सैलरी 37,500 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें आप लोग का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, इसमें एक्सपीरियंस एज लिमिट और सैलरी यहीं पे सेम रखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी यहीं पे सेम रखा गया है। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें भी एक्सपीरियंस का डिटेल्स, एज लिमिट और सैलरी यहीं पे सेम रखा गया है, इसमें आप लोगों का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए, जिसमें एक्सपीरियंस, एज लिमिट और सैलरी यहीं पे सेम रखा गया है, इसमें भी आप लोगों का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स तक रखा गया है। इसमें आप लोग को सैलरी 35,200 पर मंथ मिल जाएगी और इसमें आप लोग का मिनिमम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, एक्सपीरियंस, एज लिमिट और सैलरी यहीं पे सेम रखा गया है, बट इसमें आप लोग का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर केमिकल और असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 7 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज लिमिट यहीं पे सेम रखा गया है, सैलरी भी यहीं पे सेम रखा गया है और इसमें आप लोग का मिनिमम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। इसमें आप लोग को सैलरी 38,500 पर मंथ मिल जाएगी और इसमें आप लोग का मिनिमम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें भी अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज लिमिट, सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहीं पे सेम रखा गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल और मैकेनिकल के लिए, जिसमें एक्सपीरियंस, एज लिमिट और सैलरी यहीं पे सेम रखा गया है और इसमें आप लोगों का मिनिमम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स तक रखा गया है। इसमें आप लोग को सैलरी 47,000 पर मंथ मिल जाएगी और मिनिमम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज लिमिट, सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहीं पे सेम रखा गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 7 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 34 ईयर्स तक रखा गया है। इसमें आप लोग को सैलरी 37,500 पर मंथ मिल जाएगी और इसमें आप लोग का मिनिमम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है डिप्टी इंजीनियर आईटी के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स तक रखा गया है। इसमें आप लोग को सैलरी 47,000 पर मंथ मिल जाएगी और इसमें आप लोग का मिनिमम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज लिमिट, सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहीं पे सेम रखा गया है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 4 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए
मैक्सिमम एज लिमिट 34 इयर्स तक रहा गया है। इसमें आप लोग को सैलरी 37,500 पर मंथ मिल जाएगी और इसमें आप लोग का मिनिमम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परचेस एंड स्टोर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स तक रहा गया है। इसमें आप लोग को सैलरी 38,500 पर मंथ मिल जाएगी और उसके साथ मिनिमम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। नेक्स्ट डिप्टी इंजीनियर मैकेनिकल और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें डिप्टी इंजीनियर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिप्टी इंजीनियर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स और असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रहा गया है। सैलरी यहीं पे सेम रहा गया है और मिनिमम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए, जिसमें हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स तक रहा गया है। इसमें आप लोग को सैलरी 47,000 पर मंथ मिल जाएगी और इसमें आप लोग का मिनिमम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। टोटल कुल मिला के 161 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग के पास सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग के पास किसी भी टीचिंग या तो रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस या तो अगर आप लोग किसी भी ट्रेनिंग वगैरह या तो इंटर्नशिप किए हो तो उसको एज एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट अगर आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में से 1 साल का अप्रेंटिसशिप किए हो तो उसको एज एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स हो या तो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एजुकेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा गया है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। एप्लीकेशन फी आप लोग को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में आप लोग को ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आप लोग का जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग से पहले फर्स्ट आप लोग का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। जब आप लोग इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो उस टाइम आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीज वहां पे अपलोड करना होगा। इसमें आप लोग फोटोग्राफ और सिग्नेचर छोड़ के जितना भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करोगे वो सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो PSU वगैरह में काम कर रहे हो तो उस केस में आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का जो हार्ड कॉपी है वो और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स का आइटल्स इस नोटिफिकेशन पे मेंशन है आप लोग को उस डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी और उस एनवेलप को आप लोग को इसका जो ऑफिशियल एड्रेस इसमें मेंशन है आप लोग को एनवेलप को उसी एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या तो कुरियर के थ्रू पे सेंड करना होगा। उसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग इसी मेल आईडी या तो फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये इसका आइटल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोग को दिखाया था इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 23rd December 2022। इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आप लोग को साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह की इंटरफेस ओपन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट आपको आपकी ईमेल आईडी यहीं पे फिल करना होगा। उसके बाद आप लोग को कोई भी एक पासवर्ड यहीं पे चूज करना है। उसके बाद आपको आपका नेम यहीं पे फिल करना है। उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, मोबाइल नंबर यहीं पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको आपका सिटी यहीं पे फिल करना होगा और फिल करने के बाद रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप लोग को लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के लिए आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड यहीं पे फिल करने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद लॉग इन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी और आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना।
ताकि आने वाले वीडियो में आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।